तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किरण में तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे कराई जा रही है टारगेट हम लोग का है 95 परसेंट का और उसी के बिहार पे अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम टेंथ हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बारे में बात करने वाले हैं जो कि फिक्स रहता है वो टॉपिक जैसे महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में उपसर्ग आपको देगा ही देगा दो उपसर्ग ठीक है तो इस वीडियो में आप बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण उपसर्ग बताने वाला हूँ कि आपको वो चीज़ें भी याद हो जाएंगी और महत्वपूर्ण उपसर्ग भी याद हो जाएगा ठीक है अच्छे तरीके से तो मेरे प्यार विद्यार्थी

कुछ ऐसे वर्ड होंगे या वर्ड समूह होंगे जो किसी भी शब्द के आगे अगर जुटेंगे तो उसके अर्थ तो को कोई क्या कर देंगे वो बदल देंगे वही कहलाता है उपसर्ग ?ivalivam... कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है प्रकार हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग उपयुक्त होते हैं देखिए पेपर में मेरे प्यारे विद्यार्थी बात को समझिए पेपर देखिए इसमें क्या पूछा है कि हिंदी में कितने प्रकार के तीन प्रकार के हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन एक आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है दूसरा हिंदी के और तीसरा उर्दू फारसी के तो उर्दू फारसी पेपर में पूछा नहीं जाता है पूछा जाता है संस्कृत और हिंदी के वैसे तो होते हैं हिंदी के तीन ही लेकिन उर्दू फारसी पेपर में नहीं पूछा जाता है संस्कृत के पूछा जाता है और हिंदी के पूछा जाता है तो हमें सिर्फ दो चीज़ तैयार करना है संस्कृत वाले उपसर्ग और हिंदी वाले उपसर्ग तैयार करना है ठीक है तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका संस्कृत के उपसर्ग देखने वाले हैं किसके संस्कृत के साथ ही साथ मैं आपको याद करवाते भी चलूंगा ठीक है हमारे साथ बोलते रहिएगा चीज़ें याद भी होती रहेंगी चलिए देखते हैं हेडिंग डालिए पैरा सेडिंग संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग में जो पहला है वो है अन्न क्या है अन्न अब अन्न का उपसर्ग क्या होगा तो अन्न का उपसर्ग होगा बोलिएगा साथ में अन्न का उपसर्ग क्या होगा अनवसर अनादि अनुकूल अनाचार अनंत अनुपस्थित ये अन का क्या हो गया उपसर्ग तो इतना उपसर्ग लिखने के लिए नहीं देगा मात्र एक या दो दो लिखने के लिए देता है कहेगा कि अन का दो उपसर्ग लिखिए तो अन का इतने में से कोई भी आप दो लिख सकते हैं जो भी आपको याद होगा ठीक है इतना नहीं ये तो मैं बताया हूँ स्ट्रा क्या ताकि आप लोगों को याद हो ताकि आप एग्जाम में लिख पाए दो ही लिखना होता है ठीक है तो अनका अनावसर अनादि अनुकूल अनाचार अनंत अनुपस्थित इसके बाद दूसरा आता है आपका अप अप आप का उपसर्ग क्या होता है तो आपका अपकार अपवाद अपशब्द अपमानित अपराध अपकर्म ये सब अप का आपका उपसर्ग होता है ठीक है यहाँ तक अब तक क्लियर हुआ ना आराम से बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तो सिर्फ आपको रिवाइज करना हो इसके बाद आता है अनु ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ ना ये हमेशा पूछे गए हैं सब अनु अनु का क्या होता है अनुरूप अनुचर अनुकरण अनुभव अनुग्रह अनुवाद और अनुज इसमें से जो भी आपको आसान लगेगा वो याद कर लीजिएगा ठीक है मैं डाटा सब कुछ लिख दिया हूँ बस आपको जो भी इसमें आसान लगेगा वो याद करके एग्जाम लिख दीजिएगा इसके बाद अति अति का क्या होगा अति का अत्याचार अत्यधिक अतिरिक्त अत्यंत यह अति का हो जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आपका है अधि यह बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है अधिक का बहुत बार पूछा गया है तो अधिक का क्या हो जाएगा अधिकार अध्यक्ष अधिग्रहण अधिनायक अधिपति ठीक है इसी प्रकार देखिए सु, सु भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सु का क्या होगा सुधार सुगम सुजन स्वागत सुलभ ये सु का आपका उपसर्ग होगा ठीक है इसके बाद आता है अभी 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 के क्या होगा अभिलाषा अभिप्राय अभिसार अभिनव यह सब किसके उपसर्ग है अभी के ठीक है एकदम आराम से नोट करते रहिए कोई दिक्कत नहीं होगा आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे इसके बाद आता है परी क्या आता है परी परी का उपसर्ग क्या हो जाएगा परिताप परिजन परिपूर्ण परिक्रमा एवं पर्यावरण ठीक है तो इसमें से जो भी दूर तीन याद करना होगा याद कर लीजिएगा इसके बाद आपका आता है उप उप का क्या हो जाएगा उपनाम उपकार उपसंहार उपचार ये किसका हो जाएगा उप का अब लास्ट संस्कृत का देख लेते हैं अ का पूछ लेता है तो अ का होता है अविश्वास अलिखित अहिंसा एवं अनाथ ठीक है तो यहाँ पे मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो उसमें तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टोटल मैंने संस्कृत के दस बताया उपसर्ग इस दसों को आपको ध्यान में रख के जाना है सिर्फ यही दस आपको तैयार करके जाना है तो ये तो आपको हिंदी के अरे संस्कृत के थे अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हम लोग हिंदी के उपसर्ग देखने वाले हैं किसके हिंदी के तहे इस स्लिप में हिंदी के हैं हिंदी के नोट कर लीजिए क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों मिक्स करके देता है तो हिंदी में पहला है परी हिंदी में पहला क्या है परी ठीक है अब परी देखिए परी उसमें संस्कृत में भी था और हिंदी में भी आ गया ठीक है तो परी का क्या लिखेंगे आप परिवार परिजन इसके बाद देखिए आ गया आपका उप उप देखिए संस्कृत में भी था कि नहीं हिंदी में भी उप आता है तो उप का क्या हो जाएगा उपनाम उपमंत्री उपवन उपकार ठीक है सेम पैटर्न वही है आपको कुछ नहीं है वो याद हो गया था याद हो गया समझ लीजिए कि कुछ चेंज रहता है बस बाकी सब वही रहता है इसके बाद अ और अन दोनों साथ में दे देता है अ और अन का दोनों साथ में मैं ले लिया हूँ तो अ से आपका अज्ञान हो जाएगा अ से आपका अकाल हो जाएगा अन से आपका अनपढ़ हो जाएगा अन से आपका अनमोल हो जाएगा फिर अ से आपका मूल्य हो जाएगा अ से आपका अशुभ हो जाएगा अन से आपका अनजान हो जाएगा तो बहुत सारी हैं आप याद कर लीजिएगा ठीक है तो यहां तक क्लियर हुआ ना इसके बाद आपका स देखिए संस्कृत में स नहीं लिखवाया था लेकिन हिंदी में स इंपोर्टेंट है ठीक है स पूछ देगा तो सपाठी इसके बाद आपका सहयोग इसके बाद सहचर फिर सहयोगी कह सकते हैं आप सहकर्मी कह सकते हैं ठीक है ठीके? इसके बाद आधी आधी देखिए आधी उसमें लिखवाया था मैंने संस्कृत में संस्कृत में भी आदि आता है हिंदी में तो एक चीज याद है तो दोनों रिलेटेड करके लिख पाएंगे अधिनायक अधिराज अधिकार अधिभार ठीक है इस तरह अधिकार जो उपसर्ग होगा क्या हो, हो जाएगा अधिनायक अधिराज अधिकार अधिभार इसके बाद अनु देखिए अनु उसमें लिखवाया था मैंने अनु उसका मैंने लिखवाया था तो अनु का क्या हो जाएगा अनुभाव अनुभव अनुकूलन बात खत्म ठीक है इसके उपसर्ग हो जाएंगे इसके बाद अप क्या अप आप, का मैंने नहीं लिखवाया था अप लिखवाया था उसमें संस्कृत में अप था ठीक है तो उसका क्या हो जाएगा अपहरण अपराध उपकार अरे अपकार अपशब्द ये सब मैंने वर्ड लिखवाया था उसमें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो संस्कृत और हिंदी में समान होते हैं दोनों लिस्ट में है तो उसको तो आप याद ही कर लेंगे जो सिर्फ डिफरेंस है तो उसको याद कर लीजिएगा आ आ शायद उसमें नहीं लिखवाया था मैंने अ लिखवाया था लेकिन आ नहीं तो आ से क्या हो जाएगा आकार आजीवन आवास आभास ठीक है एक इसके हो जाएंगे अ के प्रत्यय हो जाएंगे इसके बाद लास्ट यहाँ पे कु आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कु कुता है कुमाता कुपुत्र कुचाल ठीक है तो दो दो चार दो छः दो आठ नौ नौ इसमें मैंने बता दिया दस उसमें उन्नीस तो में टोटल के चलिए बीस लगभग बीस मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रत्यय आप लोगों को बता दिया अगर बीस याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है ठीक है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक फेयर बना लीजिए उसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ दो दो तीन तीन नंबर का सब इकट्ठा करते रहिए एक दिन सत्तर नंबर तैयार हो जाएगा पूरा फिर उसी को रिवाइज करके आपको पेपर देना है पेपर अच्छे तरीके से क्वालिफाइड होगा आप लोगों का अच्छे मार्क्स भी आएंगे जितना आप चाहेंगे उतना लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा आज से ही यानी कि पेपर नजदीक आ जाए तब पढ़ें नहीं सारी चीज़ें कवर करते चलना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा जितने लोग अधिक जुड़ पाएंगे जितने लोग अधिक जुड़ेंगे उतनी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद